इसके बाद में अपन बात करते हैं पर्पस के आधार पे, इसको मिटा दो इससे। अब आता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनका यूज हम सामान्य उद्देश्य तरीके से करते हैं, मतलब उसका नाम ही है लिखा है जनरल पर्पस, मतलब कि सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, मतलब कि जिन कंप्यूटर्स का प्रयोग हम सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं उनको हम बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। एग्जांपल के तौर पे एक मैं कंप्यूटर लेकर के आया, मुझे थोड़े से विशेष थोड़े से नॉर्मल काम करना है, जैसे गेमिंग करना है, कभी कभी मूवी देखना है, गेम्स खेलना है, थोड़ा सा कभी इंटरनेट यूज कर लिया, मतलब उसमें हर प्रकार का काम थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हो। एडवांस वर्क आप नहीं कर सकते कि आपको बड़े बड़े सॉफ्टवेयर उसमें रन करना है या बहुत बड़ा कुछ उसमें करना है, तो वो नहीं होगा। हाँ, बाकी उसमें जो बेसिक काम होते हैं घर का बजट तैयार करने में, आपका छोटे मोटे इंटरनेट यूजेस में, फेसबुक व्हाट्सएप चलाने में, आपका नॉर्मल चैटिंग्स करने में, वीडियो कॉलिंग करने में, ये जो बेसिक काम होते हैं उन कामों के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हो जनरल पर्पस कंप्यूटर में क्या होता है कि कोई व्यक्ति को स्पेशली डिजाइन नहीं करना पड़ता। आप जैसे आपका मन हुआ कि आज मुझे कंप्यूटर खरीदना है, आप जेब में 10-15 हजार रुपए रखो, मार्केट जाओ, वहां पे कंप्यूटर की वैरायटीज देखो, जो कंप्यूटर देखने अच्छे में सब लग रहा है आप उठा करके लेकर के आ जाते हो। ये होता है जनरल पर्पस, मतलब हमने ज्यादा कुछ उसके फीचर्स नहीं देखते, उसमें इंटरनल चीजें क्या है, या हम उसको व्यक्ति को अलग से नहीं बोलेंगे भैया आप इसमें ये चीज भी डालो, ये चीज भी डालो, ऐसा कुछ नहीं बोलते। लेकिन स्पेशल पर्पस का जो कंप्यूटर होता है ना, उसमें कुछ क्राइटेरिया को देखा जाता है। जैसे अगर मुझे आज कंप्यूटर खरीदना है, स्पेशल पर्पस का कंप्यूटर मुझे खरीदना है, मैं पहले पैसा लेके नहीं जाऊंगा, मैं पहले दुकान वाले के पास जाऊंगा, मैं उसको पहले बताऊंगा भैया मेरे कंप्यूटर में 1000 की रैम रोम होना चाहिए, 4 GB की मेरे पास में रैम होना चाहिए, इसमें ये सॉफ्टवेयर रन होना चाहिए, इसका मदरबोर्ड इस कंपनी का होना चाहिए, इसका मदरबोर्ड इतना प्रोसेसर वाला होना चाहिए, इसका GHz इतना ज्यादा होना चाहिए, ये मैं उसको पहले क्राइटेरिया बता करके आऊंगा। तो वो क्या करेगा, वो उस कंप्यूटर को स्पेशली तरीके से डिजाइन करेगा, विशेष तरीके से डिजाइन करेगा। जैसे अब उसको पता चला कि मुझे ना 1000 GB की रोम चाहिए, तो एक कैबिनेट लेगा, एक खाली कैबिनेट लेगा, उसके अंदर कुछ नहीं होगा, वो क्या करेगा पहले तो किसी दूसरे कंप्यूटर से रोम निकालेगा, उसमें 1000 GB की हार्ड डिस्क डाल देगा, फिर उसने बोला कि 4 GB की रैम चाहिए, तो वो 4 GB की रैम किसी दूसरे कंप्यूटर से निकालेगा, उसमें फिट कर देगा। मतलब स्पेशल तरीके से डिजाइन करना पड़ रहा है। लेकिन जनरल पर्पस क्या था कि हम गए, पसंद आया, उठा करके हम लेकर के आ गए, हमने डिजाइनिंग नहीं करवाई उसकी, भाई स्पेशली स्पेशल तरीके से उसको डिजाइन करवा रहे हैं, वो पहले से तैयार था, फिट एंड फाइन था, किसी दूसरे कंप्यूटर से निकाल करके हमें कुछ करना नहीं पड़ा, वो रखा था, उठा करके हम लेके आ गए। लेकिन स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर क्या होते हैं, आपकी जरूरत के अनुसार उनको डिजाइन करवाना पड़ता है। जैसे एक साइंटिस्ट होगा तो साइंटिस्ट क्या करेगा, उसको फेसबुक व्हाट्सएप नहीं करना, उसको सिर्फ एक ही काम करना है, उसको रिसर्च वाला काम करना है, तो वो क्या उम्मीद लगेगा कि मेरा जो सॉफ्टवेयर जो मैं रिसर्च करने के लिए यूज करने वाला हूं वो सॉफ्टवेयर उसमें रन होना चाहिए। अब कई सारे सॉफ्टवेयर को रन होने की कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे जो GTA 8 आया है, गेम है GTA 8, अब वो GTA 8 गेम आप 2 GB वाले कंप्यूटर में, 2 GB जिसकी रैम है उसमें आप चला ही नहीं सकते, उसके लिए कम से कम आपको चाहिए कि आपके कंप्यूटर में 8 GB की रैम होनी चाहिए। तो वो स्पेशल पर्पस की चीज हो गई, भाई आप जब तक अपने कंप्यूटर में 8 GB की रैम नहीं डलवाओगे तब तक आपका सॉफ्टवेयर को रन नहीं होगा। तो ये कुछ क्राइटेरियाज बढ़ जाते हैं स्पेशल पर्पस में, ठीक है। बाकी जो चीजें रहेंगी ना वो आपका रहता है लो कॉस्ट रहेगा, बहुत ज्यादा हाई नहीं रहते, ठीक है। जनरल पर्पस तो आप देख रहे हैं, जनरल पर्पस तो रहेगी रहेगा, इसके साथ साथ में रैम रोम नॉर्मल रहती है, जैसे कि 1 GB 2 GB नॉर्मल रहेगा, इससे ज्यादा जनरल जैसे अभी कंप्यूटर से 1-2 GB रैम होगा, हार्डली 1 GB होगा, 2 GB भी नहीं होगा, तो 1 GB की रैम इसमें लगभग होगा, और 160 GB की या 300 GB की हार्ड डिस्क होगी, ज्यादा से ज्यादा 300 की भी मुश्किल है, 160 GB लगभग की होगी, ठीक है। देन उसके बाद में इनको हम यूज कहाँ कहाँ, इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है और एक्सेसिंग स्पीड होती है, ये भी नॉर्मल होती है, ज्यादा हाई नहीं होती, मतलब नॉर्मल तरीके से इसमें काम कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप एंटरटेनमेंट वाला काम कर सकते हो, एंटरटेनमेंट मतलब कि इसमें तीनों चीजें आ जाएंगी, ऑडियो, वीडियो, गेमिंग, इंटरनेट, इस
सारी चीजें इंटरनेट की चीजें जो आप एंटरटेनमेंट करते हैं, जैसे ऑडियो गाना वाना सुन लिया, वीडियोस मूवीज देख ली, गेम वगैरह खेल रहे हो आप, है ना, तो जो भी काम होता है तो आप इसमें काम कर सकते हो। इसके साथ साथ में यूज कहाँ कहाँ होगा, कॉलेजेस में ज्यादातर यूज होते हैं, आपकी जैसे कोचिंग में है, कोचिंग में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, कोई अगर बड़ा सा स्कूल है ठीक है उसमें हो सकता है, उसके बाद में थोड़ी सी बड़ी बड़ी शॉप पे हो सकता है, शॉपिंग मॉल्स में हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अब स्पेशल पर्पस में क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि स्पेशल पर्पस स्पेशली तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, और स्पेशल इसमें क्या है, ये मल्टीटास्किंग होता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, मतलब कि आप एक समय पर कई सारे काम कर सकते हो, जैसे मैं इंटरनेट भी चला रहा हूँ, साथ में मेरा साइड में वीडियो भी चल रहा है, मतलब मूवी चल रही है, आधी विंडो में मैंने मूवी की विंडो ओपन कर रखी, साइड मुझे इंटरनेट पर कुछ चीज भेजना था तो मैं वो भी भेज रहा हूँ, तो इसमें अपन मल्टीपल काम कर सकते हैं एक समय पर। लेकिन स्पेशल पर्पस जो कंप्यूटर होता है ना, उसमें ना आप एक समय पर एक ही काम करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से यूज किया जाता है जो थोड़ा सा कुछ स्पेशल किसी फील्ड में है। जैसे मैंने माना कि एक इंजीनियर है, अब इंजीनियर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको एक मतलब एक पुल बनाना है, उसको टास्क मिला है एक पुल बनाने का, तो वो क्या करेगा, अपने कंप्यूटर में वही वही सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेगा, जैसे कैड वगैरह जो ऑटो कैड जो सॉफ्टवेयर है उनके ऊपर ही वर्क करेगा, उसको इतना टाइम नहीं है वो फेसबुक भी चलाए ये भी करे और साइड ये काम भी करता रहे, इतना नहीं होगा, वो अपना स्पेशल टाइप का एक काम करता रहेगा, भाई ये मेरा काम। कोई साइंटिस्ट है रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च ही चलती रहेगी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपने वो देखा होगा कोई मिल गई मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन वाली, ठीक है, उसमें वो उसके पापा क्या थे, साइंटिस्ट थे, तो उसका एक कंप्यूटर रखा रहता है, तो जैसे वो कंप्यूटर ऑन करता है तो कहाँ आकर के खुलता है, वो वहां पे दो चित्र ऐसे दिखाई देते हैं, दो फोटो रहते हैं, वहां से एलियन के सिग्नल आते हैं, यहाँ से ये अपना सिग्नल भेजता है, ओम वाला जो सिग्नल होता है वो भेजता है, तो वो उसका जो कंप्यूटर स्टार्ट हुआ वो कहाँ से हुआ, जहां से उसकी रिसर्च चल रही थी वहीं जाकर के स्टार्ट हुआ, उसने अलग से ओपन नहीं किया वहीं स्टार्ट हुआ। लेकिन हमारा कंप्यूटर क्या होता है, होम से स्टार्ट होता है, होम पे जाके आपको 10 रास्ते हैं, आप चाहो तो वीडियो चला लो, आप चाहो तो ऑडियो चला लो, आप चाहो तो कुछ और काम कर लो, आपके पास 10 रास्ते होते हैं। लेकिन एक स्पेशल पर्पस का जो कंप्यूटर होता है वो आप ओपन करोगे तो आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के ऊपर में आकर ओपन करेगा और आपको वही काम करना है, उसके अलावा आप दूसरा काम नहीं करोगे। तो ये होते हैं हमारे स्पेशल पर्पस में। अब स्पेशल पर्पस में थोड़ी सी चीजें इससे बढ़ जाती है, जैसे यहाँ पे मैं स्पेशल पर्पस का लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, मतलब आप मान के चलो कि 70-80 हजार 1-1.5 लाख तक का एक कंप्यूटर आपको मिलेगा। अभी मेरे एक दोस्त ने लिया लैपटॉप 1,20,000 का आया है, ठीक है, डेल का, तो वो स्पेशल पर्पस का है क्योंकि वो जर्मनी पढ़ाई करने जा रहा है, जर्मनी में उसका चाहिए वो लैपटॉप, वो स्पेशल पर्पस है, ठीक है। उसके साथ